बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब बहन भाई? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ सब ठीक ठाक होंगे। तो करते हैं जी अपने आज के व्लॉग का आगाज़। सुबह सुबह का टाइम है और नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक की तिलावत की है और अभी करने लगी हूँ नाश्ते की तैयारी। तो दिन चढ़ गया, रात को काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब था तो लग रहा है कि बहुत बारिश हुई है ना बाहर। और अब्बास इनके काम देखिए, दोबारा फिर सो गए। ये दफ़ा उठ के तो दोबारा फिर सो गए हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ महविश की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो करते हैं जी अपने आज के व्लॉग का आगाज़। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बात है कि आप लोग मेरे चश्मे के बारे में बोलेंगे, बस चिक चिक में याद भूल गया। और जब अभी जाएंगे ना बस, जिस दिन भी गए तो ये मैं चश्मा जो है ना वो चेंज करवाऊंगी। काफ़ी कह रहे थे बहन भाई कि अच्छा नहीं लग रहा, तो फ़िलहाल मेरी मजबूरी है, नज़र का मसला है, तो इसलिए मैंने दो तीन दिन लगातार नहीं पहनी थी ना, तो मेरी आंखें काफ़ी ज़्यादा दर्द करना शुरू हो गई थी, ख़राब हो गई थी दोबारा से, तो इसलिए फिर मैंने ये आज पहन लिया है। और ये मेरी मजबूरी है पहनना, मैं उतार नहीं सकती इसको। तो खैर छोड़ें इन बातों को, तो करती हूँ अपने व्लॉग के स्टार्टिंग और बनाती हूँ नाश्ता सबके लिए, क्योंकि इस टाइम मैं, अबू जी और भाई असलम और अब्बास नाश्ता करते हैं और भाई फयाज़ और अम्मी जी बस अकेले चाय पीते हैं। तो चलते हैं फिर, करते हैं स्टार्ट। और मैं आवाज़ आना दे दी रहा। अच्छा ठीक है, हाँ जी। अच्छा जी, यहाँ पे आटा मैंने गूंद के रख लिया और चाय बना रही हूँ। तो ये देखिए रूम की कितनी गंदी हालत की है, ये देखिए सारी साफ सफाई करने वाली है। तो मेरे पीछे से ना चूल्हा साफ हुआ है, ये देखिए कितना गंदा है ये। तो आज सारा दिन लगा के ना, तो अच्छे से इनकी साफ सफाई करूँगी तो फिर बात बनेगी। कुछ डस्टिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, देखने हालत इस रूम की। अच्छा जी, दूध दूध मैंने डाल दिया और अब मैंने इसमें चीनी ऐड करनी है। और इसमें चाय की पत्ती कम है, तो आवाज कह रही थी कि जिसकी डेट जो है ना वो कम है ना, तो वो पहले इस्तेमाल कर ले, इसलिए मैं दो डिब्बे लेके आई हूँ। अच्छा जी, दोनों के सेम टू सेम ही है। और पहले ये वाला इस्तेमाल किया था ना, अब ये वाला करके देखती, ये थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अब ये डाल के देखती हूँ, थोड़ा गुड़ डालू चाय के अंदर। अच्छा जी, ये इससे थोड़ी मोटी है, ये दानेदार है ना, ये थोड़ी मोटी है। इसका कलर, इसका टेस्ट फिर वो आप देखते हो। साथ में थोड़ा सा ना गुड़ इसके अंदर डालती हूँ, अब्बास से पूछ के।
अच्छा जी, ये गुड़वल चाय की परमिशन मिल गई है तो बस इतना सा लहसुन भी डाल देती। इतनी महंगाई हो गई है ना, पूछे नहीं। अच्छे से इसको पका लेती हूँ अपने लिए चाय, फिर निकाल लेती हूँ और बाकी मैंने चीनी ऐड कर दूंगी। वहां पर मेरे अब्बू बहुत शौक से चाय पीते हैं, गुड़ वाली चाय। अपने कप में थोड़ी सी डाल देती हूँ। अच्छा जी, मेरी तो बन गई गुड़वाली चाय है ना, मैं अपने कप भर के निकालूंगी क्योंकि मुझे गुड़वाली चाय पसंद है। पहले अब्बू जी को रबास की रोटी बनाती हूँ। अच्छा जी, अब्बू जी को नाश्ता बना के बास दे। अब्बू जी का बन गया था, थोड़ी भी रोटी पकी है तो भाई ने पहला दे के। अच्छा हाँ जी, बहन दे पहले। ऊपर है रख लो ना, ऊपर मिर्चा का चार रख लो। कर लो ना चार खलोज में रोटी पा कर, जिस चीज ने नाश्ता कर लिया ना गर्म गर्म रखे बहुत है। सुला के बाद हमारा फर्स्ट नाश्ता कल मैंने गुस्से में आके नाश्ता बनाया नहीं था, सॉरी। बड़े बड़े घरों में ना छोटी छोटी बातें होती रहती है ऐसा ही।
पहला भी है चंबल लाने की। चलो जो भाई रोटी ठंडी हो चली। हाँ जी अच्छा जी ये मैंने रोटी नीचे इसलिए रखी है ताकि ना ये छापा ऑयली ऑयली ना हो। रोटी खा तू कर लेने। अच्छा कोई नहीं। अच्छा जी मेरा पराठा तैयार है। मैं तो अपने वास्ते बनाई गुड़ ली चाय। अच्छा काफी बार मैं कह रही थी कि अचार ना खाया करो। अचार है मेरा फेवरेट। क्या खाता है क्या मेरा अच्छा। मैं क्या करा मेरे पसंद है मैं क्या। ओ जी खाओ। अच्छा